जी वेलकम है आप सभी का एक बार फिर ओ लेवल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे ओ लेवल करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि सर ओ लेवल में एडमिशन कब होते हैं या इसके फॉर्म कब आते हैं तो ये आपको बताऊंगा इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कौन इसको कर सकता है वो भी आपको बताऊंगा मैं और इसके एग्ज़ाम कितनी बार होते हैं एक साल में कब कब इसके एग्ज़ाम होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा और इसका रिज़ल्ट या सर्टिफिकेट कब तक आ जाता है अगर आप अपना कोर्स कम्प्लीट कर लेते हैं या अपना आप रिज़ल्ट अपना ओ लेवल आप पास कर लेते हैं कम्प्लीट कर लेते हैं तो रिज़ल्ट कब आता है और सर्टिफिकेट कितने दिन बाद आता है रिज़ल्ट के ये भी आपको मैं बताऊँगा तो ध्यान से आपको सुनना है ओ लेवल एग्जाम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है सभी को पता होनी चाहिए अगर आप एक साल का कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो ओ लेवल सबसे बेस्ट है जिसको एन आई ई एल आई टी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा करवाया जाता है यह एक गवर्नमेंट की संस्था है ठीक दिल है दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है तो ओ लेवल की अगर मैं बात करूँ एडमिशन की कि इसमें एडमिशन कब होते हैं तो एक साल में दो बार इसके एडमिशन होते हैं एक तो इसके जनवरी में एग्जाम एडमिशन होते हैं और दूसरा इसके जुलाई में आपके एडमिशन होते हैं जनवरी में भी इसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं और जुलाई में भी जब आप चाहें इसमें एडमिशन ले सकते हैं ठीक है एडमिशन की फ़ीस पाँच सौ रुपये होती है यानी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पाँच सौ रुपये होती है उसके बाद आप जब अपने एग्ज़ाम लोग करते हैं अपने पेपर लोग करते हैं जब इसके एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं तो उसकी एग्ज़ाम फ़ीस आपसे अलग ले जाती है जो पाँच सौ रुपये है वो केवल आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है या आपके एग्ज़ाम फ़ीस नहीं है ठीक है दूसरा डाउट आपका है कि इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कौन कौन इसको कर सकता है अगर आप ट्वेल्थ पास हैं किसी भी साइड से चाहे आप आर्ट साइड से हों कॉमर्स से हों या आप साइंस uh, से हो किसी से भी अगर आपने ट्वेल्थ पास की है परसेंटेज भी यहाँ पर मैटर नहीं करती केवल आपको ट्वेल्थ पास होना चाहिए आप इस कोर्स को कर सकते हैं ठीक है या आपने टेंथ किया हुआ हो और आपने आईटीआई की हो तो भी आप इसको कर सकते हैं इसको करने के लिए आप एलिजिबल हैं बहुत से बच्चे पूछते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल को क्या किया जा सकता है तो बिल्कुल आप ग्रेजुएशन के साथ भी ओ लेवल को कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ओ लेवल साथ साथ कर सकते हैं ठीक है तो फिर इसके एग्जाम फॉर्म कब आते हैं यानी इसके एग्जाम कब होते हैं जैसे मान लीजिए आपका जनवरी में एडमिशन हुआ या आपका जुलाई में एडमिशन हुआ तो इसके एग्जाम कब होंगे या एग्जाम फॉर्म कब आते हैं तो देखिए लगभग एक महीने पहले एग्जाम फॉर्म आ जाते हैं आपके एग्जाम होने से एक महीना पहले आपके एग्जाम फॉर्म मतलब कितने पेपर आप देना चाहते हैं चार में से उसके लिए एक एग्ज़ाम फॉर्म आता है उसको फिल करना होता है जिसमें आपकी फ़ीस भी लगती है ग्यारह सौ रुपये पर पेपर तो जैसे मान लीजिए अभी आपके पेपर लोग चल रहे थे इक्कीस 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 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी पेपर लॉक करने की तो इक्कीस नवंबर तक आप अपने पेपर लॉक कर सकते थे और तेरह जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं ओ लेवल के तो लगभग एक से डेढ़ महीना पहले आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ जाते हैं वो आपको फिल करने होते हैं उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम हैं जैसे मान लीजिए जनवरी में आपने एडमिशन लिया तो आपके जुलाई में एग्जाम होंगे जुलाई में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपके जनवरी में एग्जाम होंगे जब आपके एग्ज़ाम होते हैं उसी टाइम पर आपके रजिस्ट्रेशन भी चल रहे होते हैं तो जो बच्चे वो लेवल करना चाहते हैं तो वो जनवरी में भी एडमिशन ले सकते हैं जुलाई में भी एडमिशन ले सकते हैं जब आप चाहें इसमें एडमिशन ले सकते हैं एग्जाम भी जनवरी में भी होते हैं एग्ज़ाम जुलाई में भी एग्ज़ाम होते हैं तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम के लगभग लगभग दो महीने बाद डेढ़ से दो महीने के बाद आपका रिज़ल्ट आता है वो लेवल का अगर आपने एग्ज़ाम दिए होंगे इसके तो आपको पता होगा क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं चार पेपर होते हैं टोटल तो चार में से दो उन्होंने पास कर लिए होते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पता होगा अगर आपने दो पेपर दिए हैं तो ठीक है तो एक डेढ़ से दो महीने के बाद आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद अगर कोई वैकेंसी आई हुई है ओ लेवल से रिलेटेड ओ लेवल से संबंधित जिसमें ओ लेवल कोर्स मांगा गया हो ओ लेवल का डिप्लोमा मांगा गया हो तो आप उसमें ओ लेवल लगा सकते हैं इसीलिए नायलट थोड़ा जल्दी आपका सर्टिफिकेट जारी कर देता है अदरवाइज एक महीने के टाइम के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट भी जारी हो जाता है ठीक है रिजल्ट आने के एक महीने के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट नाइलेट आपको दे देता है इसको आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है जो बच्चे इंस्टीट्यूट से अवेलेबल करते हैं उनको अपने इंस्टीट्यूट से अवेलेबल का सर्टिफिकेट मांगने की या लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये नए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होता है अगर आप डायरेक्ट भी अवेलेबल कर रहे हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू अवेलेबल कर रहे हैं ठीक है डाउनलोड आपको नईलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना होगा ठीक है इंस्टीट्यूट की इस पर मोहर नहीं लगती इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट पे नाम नहीं होता जो बच्चे इंस्टीट्यूट से अवेलेबल करते हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम भी उनके सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा होता है कि किस इंस्टीट्यूट से बच्चे ने अवेलेबल किया है बस उस पर आपका नाम फादर नेम और आपका क्या ग्रेड है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं और कुछ नहीं लिखा होता ठीक है तो ये है ओ लेवल के बारे में बेसिक जानकारी जो आप सभी को पता होनी चाहिए जो ओ लेवल करना चाहते हैं और कोई आपके मन में डाउट हो ओ लेवल से संबंधित आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो जो ओ लेवल करना चाहते हैं या ओ लेवल करने की सोच रहे हैं बहुत ही अच्छा कोर्स है अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है इसको आप कर सकते हैं छः सिक्स मंथ में कम्प्लीट हो जाएगा एक साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं पांच साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है पांच साल के अंदर अंदर कभी भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत